आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में 12वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के 5वें प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। देखिए, बड़ा ही आसान प्रश्न है। क्या कहता है? चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर रियल नंबर्स पे डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइंड की हुई है कि ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने ये देखना कि ये रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी या ट्रांजिटिव होगी। चलिए, सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास रिलेशन दी हुई है ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए इज लेस देन बी क्यूब। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं फॉर 1/2 बिलोंग टू आर। हमारे पास जो 1/2 रियल नंबर को बिलोंग करता है, फॉर 1/2 बिलोंग टू आर, 1/2 जो ऑर्डर पेयर है वो आर रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं बिलोंग करेगा? एज 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/8। 1/2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/8। तो 1/2 तो 1/8 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर 1/2 बिलोंग टू आर। मैंने कोई दो रियल नंबर ले लिए जो आर को में बिलोंग करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? 1/2 बिलोंग टू आर, ये रिलेशन और ये ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन आर में बिलोंग करता है। एज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 8, बट 2/1 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि एज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, जो 2 है वो 1 का क्यूब, 1 ही रहेगा, डज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुई। इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे बात करें फॉर कोई वैल्यूज ले लेते हैं हम रियल नंबर्स। लेट इट इज 3/2, 6/5 ले लेते हैं। ठीक है, बिलोंग टू आर, ये हमारे पास रियल नंबर्स में बिलोंग कर रही हैं। तो हमें ये पता है कि जो 3 and 3/2 ये बिलोंग टू आर करेगा। क्यों? एज 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का क्यूब 27 अपॉन 2 का क्यूब 8, 3 पॉइंट समथिंग बनेगा है। आल्सो 3/2 और 6/5 चेक करें, ये भी बिलोंग टू आर करेगा। एज 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6 का क्यूब 216 और ये बन गया 125। ये 1.5 बनता है, ये 2 पॉइंट समथिंग बनता है, तो ये भी वैल्यू इससे क्या हो गई? कम हो गई। बट 3 and 6/5 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं बिलोंग करता? एज 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 6 का क्यूब कितना हो गया? 216 अपॉन 125, ये तो 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, बट ये 3 है। सो 3 इज नॉट लेस देन 216 अपॉन 125। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें ये पता चल गया आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले आसान से प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।